तो हमारा लास्ट सेशन में हुआ था कि मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमिटी। अब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आएगा प्रोटेस्ट कमिटी। सोचो अगर प्रोटेस्ट कमिटी का काम क्या होता है। सपोज अगर किसी भी टूर्नामेंट में होता है झगड़ा हो जाता है कभी कभी, कि कोई ये सोचता है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट फेयरली प्ले इन द गेम और इन द एक्टिविटीज, राइट? एंड फॉर दैट दे आर मेकिंग अ प्रोटेस्ट कमिटी। इफ द अपोनेंट वॉन्ट दे कैन प्रोटेस्ट, राइट? अगर अपोनेंट चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकता है उसके लिए। फिर क्राइटेरियाज बना दिए जाते हैं। जस्ट लाइक एक क्लस्टर्स में होता है कि अगर किसी आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट है जो डिफरेंट एज ग्रुप में खेल रहा है या डिफरेंट वेट कैटेगरी में खेल रहा है, कोई भी सब इवेंट हो सकता है। जैसे इवेंट कुछ होते जैसे एथलेटिक का होता है आपका कि एज वाइज होता है, राइट? एज कैटेगरी होती है आपकी, बॉक्सिंग है आपकी, रेसलिंग है, ये सब होते हैं आपके वेट कैटेगराइज, राइट? वेट कैटेगरी में होते हैं, तो इनको अलग रखा गया है, ठीक है? कि ऐसा नहीं है 50 kg अगर किसी पार्टिसिपेंट का वेट है तो वो 48 kg वाली कैटेगरी में खेलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी ऑफिशियल अगर ऐसा देखता है, कोई भी टीम का कोच अगर चाहे तो अपोज कर सकता है उसका, वो अपोज करना ही वो जाएगा। जैसे अपोज करना है किसी को तो वो जाएगा प्रोटेस्ट कमिटी के पास, एंड प्रोटेस्ट कमिटी विल टेक द कंसर्न ऑफ दैट कोच और वट एवर द ऑफिशियल्स वर देयर, राइट? नेक्स्ट कमिटी होगी आपकी पब्लिसिटी कमिटी। पब्लिसिटी कमिटी, राइट? अब टूर्नामेंट चल रहा है तो उसको पब्लिश ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको एक कमिटी और बनानी पड़ेगी, जिसको जो न्यूज होगी उसकी जो पब्लिश करना है चीजों को, राइट? कि टूर्नामेंट कितना सक्सेस हो गया, कितना अच्छा हुआ, गरा खराब हुआ या कुछ और प्रॉब्लम्स है, एंड ऑल द थिंग्स विल कम्स अंडर पब्लिसिटी कमिटी, राइट? खराब चीजों को तो कोई पब्लिश नहीं करता, लेकिन जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वी दे आर डिस्कसिंग देयर, राइट? तो ऐसे ही हमको भी वही सारी चीजें वैल्यूएबल पॉइंट्स उनको डिस्कस करना है इसमें पब्लिसिटी कमिटी में, राइट? नेक्स्ट होगा आपका फाइनेंस कमिटी, राइट? फाइनेंस कमिटी के अंदर जो भी बजट का काम होगा, जो भी पैसा खर्च होने का काम होगा, फाइनेंस से आप अच्छे से समझते होंगे सब लोग कि फाइनेंस कैसे उसको होल्ड करता है, जो ट्रेजरर होते हैं कि कौन कितना पैसा किस जगह खर्च हो रहा है और किसको किस कितने पैसे की जरूरत है, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कौन करता है? फाइनेंस कमिटी, राइट? कि कितना बजट किस एंगल पे खर्च होना है, किस तरीके से खर्च होना है, इक्विपमेंट पे कितना जाएगा, ऑफिसर्स को कितना देना है, या मेडल्स एंड ट्रॉफीज के लिए कितना पैसा बचा के रखना है या कितना स्पेंड करना है, तो ऑल द थिंग्स विल कम्स अंडर दिस फाइनेंस कमिटी। पैसे का जितना लेन देन होगा वो फाइनेंस कमिटी ही करेगी, राइट? नेक्स्ट आपका रिफ्रेशमेंट कमिटी। रिफ्रेशमेंट से आप अच्छे से समझते होगे कि कोई भी रिफ्रेशमेंट का काम है, जैसे ऑन ग्राउंड हो या आउट ऑफ ग्राउंड हो या लंच डिनर और रिफ्रेशमेंट का जो भी काम है वो रिफ्रेशमेंट कमिटी करेगी। जस्ट लाइक इवनिंग में आपको टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक में आपको कुछ खाने को चाहिए तो वो रिफ्रेशमेंट कमिटी करेगी, राइट? या हम ऐसे कहें कि दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी ऑफिशियल्स होंगे अब उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट का इंतजाम करना होगा, वो तो वो कौन करेगा? वो करेगी आपकी रिफ्रेशमेंट कमिटी। तो नेक्स्ट कमिटी होगी हमारी डेकोरेशन कमिटी, राइट? तो डेकोरेशन कमिटी क्या करती है कि डेकोरेट करना उसको, जितना अच्छा आपका ग्राउंड लग सकता है उतना अच्छा उसको बनाने का काम किसका होगा? डेकोरेशन कमिटी का, राइट? नेक्स्ट है आपका अनाउंसमेंट कमिटी, के कौन से पार्टिसिपेंट को किस टाइम पे कौन से एरिना पे प्ले करना है या किसका टर्न कब आएगा, ये अनाउंसमेंट कमिटी का काम होगा। जस्ट लाइक कि हम देखते हैं कि क्लस्टर्स में या नेशनल्स में या कई दूसरे गेम्स के नेशनल्स में कि वो अनाउंस करते रहते हैं, दे आर अनाउंसिंग द पार्टिसिपेंट नेम बाई देयर स्कूल कोड और वट एवर द आइडेंटिफिकेशन आईडीज, राइट? तो वो लोग उस तरीके से उस चीज को अनाउंस करते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट कमिटी विल बी योर फिक्स्चर कमिटी, राइट? अगर कोई भी अगर आपका टूर्नामेंट चल रहा है तो बिना फिक्स्चर के वो टूर्नामेंट सक्सेस नहीं होगा, राइट? तो टूर्नामेंट फिक्स्चर बनाने, फिक्स्चर का नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स में वो उसमें करीब 4-5 लेक्चर जाएंगे तो उसको अच्छे से समझाने पड़ेगा। फिक्स्चर्स में क्या था, कौन सी टीम कब खेलेगी और किसके साथ खेलेगी, राइट? फिक्स्चर इज अ प्रोसेस बाई विच द टीम्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, राइट?
ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी टीम किसके साथ फाइट करेगी, कब करेगी और कैसे करेगी, वो सब डिसाइड होता है यहाँ पे फिक्चर्स में, राइट। तो ये हो गई आपकी वेरियस कमिटीज। अब मैं उनको इसके बाद आपके पास टास्क होगा इसका कि इन वेरियस कमिटीज को तीन फॉर्म में डिवाइड करना है आपको, राइट। ये जितनी भी मैंने कमिटीज बताई हैं कहाँ कहाँ करना है आपको, प्री कमिटीज इसमें से डिसाइड करनी है, छाड़नी है आपको, अलग करना है इसमें, पोस्ट करनी है और ड्यूरिंग की करनी है, राइट। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट के वो कौन कौन सी कमिटी होंगी जो इवेंट से पहले काम करेंगी, वो कौन सी कमेटी होंगी जो ड्यूरिंग इवेंट काम करेंगी, और वो कौन सी कमेटी होंगी जो आफ्टर फिनिशिंग द इवेंट काम करेंगी, राइट। तो ये आपका टास्क होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है।